नमस्कार, मैं विश्वानी धराधर। 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न जमा करने के लिए अंतिम तारीख 31 जुलाई यानी रविवार को रात 10 बजे तक 63.47 लाख से अधिक रिटर्न जमा किए जा चुके थे। दाखिल ITR के साथ वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न की कुल संख्या 5.73 करोड़ के पार जा चुकी है। सावन के तीसरे सोमवार को राज्य भर के तमाम छोटे बड़े शिवालय में श्रद्धालुओं की भीड़ सुबह से ही देखी जा रही है। शिवालय जय जय महादेव के जयकारा से गूंज रहा है। मुजफ्फरपुर के गरीबनाथ और सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ मंदिर में भी श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है, जहां पूजा अर्चना को लेकर सुबह से ही श्रद्धालु मंदिर पहुँचने लगे थे। बॉलीवुड के दबंग सलमान खान ने बीती 23 जून को गन लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था। इसके लिए एक्टर को मुंबई कमिश्नर ऑफ पुलिस के ऑफिस में देखा गया था। सलमान खान ने यह कदम उस वक्त उठाया जब उन्हें मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के हथियारों से धमकी मिली थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान खान को उनकी सुरक्षा के लिए गन लाइसेंस जारी कर दिया गया है। अपने पहले ट्वीट में राजद ने लिखा, देख रहे हो ना विनोद, पटना में 2 दिन के आयोजन में फूल वाली पार्टी ने कितने करोड़ों फूंक दिए। एक ठेले वाला बोल रहा था कि गरीब राज्य में अधर्मी हराम का पैसा उड़ा रहे हैं, सीबीआई ईडी इनके पास नहीं जाएगा क्योंकि ये तो विपक्ष के लिए है ना। जुलाई महीने में वस्तु एवं सेवा कर संग्रह 1,48,995 करोड़ रुपए दर्ज किया गया, जो पिछले साल के इसी महीने की तुलना में 28% अधिक है। 2017 में GST लागू होने के बाद से यह दूसरा सबसे बड़ा राजस्व है। महागठबंधन की ओर से 7 अगस्त को जन सरोकार से जुड़े मुद्दों को लेकर हर जिला मुख्यालय में प्रतिरोध मार्च करने का ऐलान किया गया है। इसके लिए पर्चा जारी किया गया है, जिसमें नेता तेजस्वी यादव, लालू यादव, राबड़ी देवी की फोटो के साथ ही लेफ्ट के नेताओं की तस्वीर है। खास बात यह है कि इसमें कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी नजर आ रही हैं। आज 1 अगस्त से सरकारी तेल कंपनियों ने विमान ईंधन की कीमत में 12% की कटौती कर दी है। सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियों की मूल्य अधिसूचना के अनुसार अब दिल्ली में ATF के दाम 1,38,147.93 रुपये किलो लीटर से घटकर 1,21,915.57 रुपये किलो लीटर हो गए हैं। ATF की कीमत में इस साल केवल तीसरी बार कटौती की गई है। जन अधिकार पार्टी प्रमुख और पूर्व सांसद पप्पू यादव ने भाजपा के कार्यक्रम पर हमला बोला है। कहा, पटना में नड्डा के रोड शो में करोड़ों खर्च किए गए हैं। केंद्र सरकार ईडी सीबीआई के सहयोग से लोकतंत्र खत्म करना चाहती है। विपक्ष को ईडी के जरिए डराया जा रहा है। जो सरकार काला धन वापस लाने की बात कह सत्ता में आई, वही सरकार आज अपने मित्रों के हाथों देश को बेच रही है। आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा 11 अगस्त को रिलीज होने वाली है। सोशल मीडिया पर फिल्म लाल सिंह चड्ढा का बायकॉट भी ट्रेंड हो चुका है। फिल्म के खिलाफ दर्शकों के इस रिएक्शन से आमिर खान दुखी हैं। उन्होंने कहा कि इस बात का बुरा लगता है कि कुछ लोग ये जो बोल रहे हैं, उनके दिल में कहीं ना कहीं यह है कि मैं भारत से प्यार नहीं करता। वे लोग ऐसा मानते हैं कि, लेकिन यह सच नहीं है। प्लीज़ मेरी फिल्म बायकॉट मत कीजिए, प्लीज़ मेरी फिल्म देखिए। देश के घरेलू कार मार्केट में कार निर्माता कंपनियों ने अब कार की कीमत, फीचर्स और माइलेज के साथ कार के सेफ्टी फीचर्स पर भी फोकस करना शुरू कर दिया है, जिसमें एयरबैग की संख्या बढ़ाने से लेकर नए हाईटेक सेफ्टी फीचर्स को शामिल किया जा रहा है। सेफ्टी फीचर्स की बढ़ती डिमांड को देखते हुए मोटर्स ने भी अपनी बेस्ट सेलिंग की सेल्टोस के सभी वेरियंट में 6 एयरबैग देना शुरू कर दिया है। मुंबई में कल देर रात हुई शिवसेना सांसद संजय राउत की गिरफ्तारी के बाद आज एजेंसी उन्हें अदालत में पेश करेगी। इस बीच महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे संजय राउत के घर जाएंगे, जहां से कल उनकी गिरफ्तारी हुई थी। पार्टी नेता अरविंद सावंत ने सोमवार को दावा किया है कि प्रवर्तन निदेशालय द्वारा शिवसेना सांसद संजय राउत की गिरफ्तारी महाराष्ट्र के राज्यपाल BS कोश्यारी की मुंबई पर टिप्पणी के खिलाफ पैदा हुए गुस्सा को हटाने का एक प्रयास है। काशी में गंगा का कहर जारी है। लगातार बढ़ते जलस्तर के कारण वाराणसी के 84 घाटों का संपर्क मार्ग टूट गया है, तो दूसरी तरफ घाट किनारे सैकड़ों छोटे बड़े मंदिर भी जलमग्न हो गए हैं। गंगा सेवा निधि के अध्यक्ष सुशांत मिश्रा ने बताया कि बाढ़ के कारण गंगा आरती का स्थान बदला गया है। महंगाई के जोरदार हमलों के बीच मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है। मध्य प्रदेश सरकार ने शासकीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी कर दी है। इसके साथ ही महंगाई भत्ता मौजूदा 31% से बढ़कर 34% हो गई है।
भारतीय नागरिकों के लिए आधार कार्ड महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक है। अब 5 साल तक के बच्चों को पहचान संख्या प्रदान करने के लिए बाल आधार योजना राष्ट्रीय स्तर पर जाने की उम्मीद है। इसके तहत 16 मिलियन बाल आधार कार्ड जारी किए गए हैं। वरुण गांधी ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए सवाल पूछा है कि आखिर कब तक संगठित रूप से चलित शिक्षा माफिया युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करता रहेगा। यूपी पुलिस, यूपीपीसीएल, यूपीएसएससी, नलकूप ऑपरेटर, पीईटी, यूपीटीईटी, बीएड, नीट आदि परीक्षा में पेपर लीक का मामला सामने आने के बाद राजस्व लेखपाल की परीक्षा में नकल माफिया छाए रहे, यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इयान चैपल ने T20 और T10 फॉर्मेट को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इस विषय पर बहस लंबे समय पहले ही हो जानी चाहिए थी, पर अब भी ज्यादा देर नहीं हुई है। लेकिन अब क्रिकेट के फॉर्मेट्स की सूची बढ़ गई है, जो महिलाओं के खेल की मजबूती और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से भी हुआ है। प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में शिवसेना नेता संजय राउत को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में आदित्य ठाकरे का बयान पहली बार सामने आया है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में क्या हो रहा है ये सभी को दिखाई दे रहा है, महाराष्ट्र को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। आदित्य ठाकरे ने कहा कि जो भी अपनी आवाज़ उठा रहा है उसे निशाना बनाया जा रहा है, उसकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। देश में मंकी पॉक्स के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार ने रविवार को मंकी पॉक्स के मामलों की निगरानी के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है। टीम का नेतृत्व नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल करेंगे। इसके अन्य सदस्यों में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, फार्मा और बायोटेक के सचिव शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल का सियासी तापमान पार्थ चटर्जी के कथित घोटाले के सामने आने के बाद बढ़ा हुआ है। इसी कड़ी में ममता बनर्जी अपने कैबिनेट में फेरबदल करने की तैयारी में है। ममता बनर्जी ने कहा कि मेरे लिए अकेले संभालना संभव नहीं है, इसलिए हम बुधवार को फेरबदल करेंगे, जिसमें 4-5 नए चेहरे होंगे। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी की प्रक्रिया सोमवार को खत्म हुई। इस नीलामी प्रक्रिया में 4 टेलीकॉम कंपनियों ने 1,50,173 करोड़ रुपए के स्पेक्ट्रम के लिए बोली लगाई है, जो सरकार के अनुमान से कहीं ज्यादा है। 26 जुलाई 2022 को 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी शुरू हुई थी, जो 7 दिनों तक चली है। भारत को मोबाइल डाटा की कीमत के मामले में विश्व में 5वीं रैंक मिली है। केबल .co.uk की रिपोर्ट के मुताबिक विश्व के 5 सबसे सस्ते मोबाइल डाटा प्रदान करने वाले देशों की बात करें तो 1 GB डाटा का औसत मूल्य में इजराइल $0.04 के साथ नंबर एक पर है। इसके बाद इटली $0.12, सन मेरिनो $0.14, फिजी $0.15 और भारत $0.17 के साथ 2022 की लिस्ट में 5वें नंबर पर है। चुनाव आयोग कई राज्यों में वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने के लिए आज से एक अभियान शुरू कर दिया है। वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने का काम वोटर की पहचान स्थापित करने और इलेक्टोरल रोल में एंट्रीज के ऑथेंटिकेशन के उद्देश्य से किया जा रहा है। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने उम्मीद जताई है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारतीय भारोत्तोलक और अन्य सभी भारतीय एथलीट देश के लिए और पदक जीत कर लाएंगे। ठाकुर ने कहा कि मैं भारतीय भारोत्तोलक और राष्ट्रमंडल खेलों के अन्य सभी खिलाड़ियों को बधाई देना चाहता हूँ। इस बात की गुंजाइश है कि हम और पदक जीतेंगे। लोकसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सहमति बनने के बाद सोमवार को कांग्रेस के 4 सदस्यों का निलंबन वापस ले लिया गया है, जिसके बाद मॉनसून सत्र में सदन के भीतर पिछले कई दिनों से चल रहा गतिरोध खत्म हो गया। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने मणिकम टैगोर, TN प्रतापन, ज्योतिमणि और राम्या हरिदास का निलंबन वापस लेने का प्रस्ताव रखा, जिसे सदन ने ध्वनि मत से मंजूरी दी है। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान राशिद लतीफ टीम इंडिया में लगातार कप्तान बदले जाने के प्रयोग को गलत मानते हैं। उनका कहना है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड वही गलती दोहरा रहा है जो 90 के दशक में पाकिस्तान ने की थी। लतीफ ने यह भी कहा कि टीम में बहुत सारी कमियां हैं और मैनेजमेंट को उनको दूर करने पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन उसका फोकस सिर्फ कप्तान बदलने पर है। असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार को घेरते हुए कहा कि अग्निवीर पर प्रोटेस्ट हुए, किसान बिल पर प्रोटेस्ट हुए, CAA पर प्रोटेस्ट, दलितों के उत्पीड़न पर प्रोटेस्ट हुए, इसलिए कह रहा हूं कि एक दिन ऐसा आएगा, याद रखिए, जैसे श्रीलंका में राष्ट्रपति के घर में घुसकर लोग बैठे हैं, वैसे ही प्रधानमंत्री के घर में घुसकर बैठेंगे कि नौकरी हमको नहीं दिए। हालांकि मैं नहीं चाहता हूं कि ऐसा हो, नहीं तो मेरे ऊपर UAPA लग सकता है।
उत्तराखंड और झारखंड के राज्यपालों के अलावा कई केंद्रीय मंत्रियों ने सोमवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से शिष्टाचार भेंट की। राष्ट्रपति सचिवालय ने राष्ट्रपति से मुलाकात की। तस्वीरें साझा करते हुए ट्वीट किया कि उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को मार्क करने के लिए मुंबई में रविवार को चाबहार दिवस मनाया गया। चाबहार बंदरगाह भारत को सेंट्रल एशिया और यूरोप के मार्केट से जोड़ता है। समारोह में ईरान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान सहित अफगानिस्तान के प्रतिनिधि मौजूद रहे। CBDT के अनुसार ITR वेरिफिकेशन कराने के लिए अब 120 दिन की जगह 30 दिन ही मिलेंगे। CBDT ने अपने एक नोटिफिकेशन में इस बात की जानकारी दी है। ITR फाइल करने के बाद इसका वेरिफिकेशन जरूरी है, इसके बाद प्रक्रिया पूरी नहीं होती है। ITR भरने के 30 दिनों के भीतर ही इसे वेरीफाई कराना होगा। अगर इस अवधि के बाद कोई वेरिफिकेशन करता है तो वह मान्य नहीं होगा। अमेरिका में अवैध रूप से प्रवेश करने के आरोप में 4 गुजराती युवकों को पिछले हफ्ते गिरफ्तार किया गया है। 4 युवक गुजरात के मेहसाना जिले के रहने वाले हैं। घटना के बाद भारतीय दूतावास ने मेहसाना पुलिस से इस बात की जांच करने को कहा है कि जिले के युवक अमेरिका में अवैध रूप से कैसे पहुंचे। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछा यह सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है राजकुमार प्रसाद, महेश कुमार, राजकुमार प्रसाद, प्रिया यादव, विपिन यादव, सुजाता पांडे, राधा रानी, दीपक कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपके अनुसार आमिर खान की मूवी लाल सिंह चड्ढा का लोगों द्वारा बायकॉट करना उचित है? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। धन्यवाद।